हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड का लंच बाहर है और सिर्फ मुझे ही अपने लिए बनाना है। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देसी, कुछ बिहारी स्टाइल का कुछ खाना बनाया जाए, और ये मुझे पसंद भी है। सो कभी क्या होता है कि जो चीज़ें पसंद होती है वो हम बना नहीं पाते हैं अपने लिए, क्योंकि और लोगों की भी पसंद देखनी पड़ती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। और हाउसवाइफ्स के साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि हम अपनी पसंद की चीज़ें कम बना पाती हैं, क्योंकि हमें सबका पसंद देखना पड़ता है, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका। तो ये जो मैं बना रही हूँ, इसे ये बिहार और यूपी साइड में बहुत बनाई जाती है, और इसका नाम है थोड़ा डिफरेंट सा नाम है इसको दाल का दूल्हा भी बोलते हैं। और ये वन पॉट मील है कि जो एक ही इसके साथ, और काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि इसमें दाल और आप दाल रोटी अलग अलग खा रहे हैं, और ये एक साथ ही आपको दाल और रोटी, इसमें चाहे तो आप पालक भी थोड़ा सा कट करके ना दाल के अंदर डाल सकते हैं। सो इस तरह का है। सो फर्स्टली पहले मैंने क्या किया है कि जिस तरह से आटे का डो बनाते हैं वैसे डो बनाना है, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया था, और उस तरह से वो करके, और दाल जो सिंपल दाल होती है ना उसको पहले मैंने चढ़ा दिया है। तो जैसे मूंग अरहर और मसूरी जो हल्की दालें होती हैं, उनको मिक्स करके ही मैं डेली बनाती हूँ। तो उनको थोड़ा सा पहले मैं 5-10 मिनट पहले कुकर खोल के उबाल लगाया, फिर उसका वो डम्पलिंग जैसा बना के तो इसमें मैंने डाल दिया है। अब इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, उधर 2-3 सीटी लगा दिया मैंने उसको। तो तड़के के लिए अब मैं प्याज और लहसुन अदरक ये सब कट करके रख रही हूँ, हरी मिर्ची। आप सोच रहे होंगे यहाँ अमरूद क्या कर रहा है, तो मुझे भूख लग गई थी तो मैं अमरूद भी खा रही हूँ। सो बस ऐसे ही, और बस बहुत सिंपल रेसिपी है। तो अब हमारा देखिए कुकर सीटी दे चुका है, इसमें 2-3 सीटी लग चुकी है, और पहले से भी दाल मैं पका रही थी खोल के, तो वो, और इसमें बस हल्के मसाले मैंने डाले थे, जैसे हल्दी, नमक और जीरा धनिया पाउडर मैंने पहले डाल दिया था थोड़ा। तो अब हम तड़के में थोड़े मसाले डाल देंगे। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है पैन में, अब इसमें मैंने डाला जीरा, थोड़ी सी राई डालूंगी अब, और इसके साथ ही थोड़ा कड़ी पत्ता, हींग, ये सब डाल के तो अच्छे से इसको तड़कने देते हैं, फिर उसमें बाकी के सारी चीज़ें डालेंगे। तो पहले हम फ्रेश वाले मसाले जो कि प्याज और वो हैं, प्याज लहसुन वगैरह वो डालेंगे। तो पहले मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची जो वो करा था, और इसमें पहले थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया ताकि वो कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। कुछ भी आप ग्रेवी वाली चीज़ें बना रहे हैं ना तो आप तड़के में थोड़ा सा डाल दीजिए, और कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी तो मैं कड़ी पत्ता भी डाल दे रही हूँ। तो अब मैं अपना इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्ची वगैरह डाल दी है मैंने, और ये थोड़ा सा जब पक जाए ना तब मैं प्याज डालूंगी इसमें। तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जब भी आप तड़का लगा रहे हो, तो लहसुन और अदरक पहले डालिए और उसके बाद आप प्याज को ऐड करिए उसमें। सो ये थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें मैं ऊपर से जो प्याज मैंने काटा था वो डाल दूँगी। तो अब इसको मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर तक 5-10 मिनट तक भून लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, मतलब लाइट ब्राउन कलर का भी होना तो भी वो अच्छे से इसकी स्वेटिंग हो जाए बस प्याज की, बस हमें इतना करना है, इसको जलाना नहीं है। अब इसमें थोड़े से जो मसाले और मैंने उसमें भी ऐड किए थे, तो उस हिसाब से अपना आप मसाला ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो मसाले आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, थोड़ी सी धनिया जीरा पाउडर डाल दिया, और ज़रा सा गरम मसाला डाला है मैंने। बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते इसमें, ये फिर उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, मसालों का फिर ओवर पावर कर देते हैं मसाले चीज़ों को ना। तो हर चीज़ में मसालों की भी वो होती है कि किस चीज़ में क्या मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कम अच्छे लगते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। तो बस अब ये जो हमारा वो है डम्पलिंग, और यानी दाल का जो दूल्हा है और दाल है, इनको मैंने उसमें डाल दिया है, और डाल के 5-10 मिनट तक इसको पका लेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, मतलब
थोड़ा वो लग रहा है, इसकी ग्रेवी थिक लग रही है, तो इसको पतला करने के लिए, क्योंकि ये पकने के बाद भी थोड़ा सा सूख जाएगा, तो इस वजह से मैं इसमें और पानी डाल दूँगी। सो ये काफ़ी अच्छी और बहुत ही, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कितना टेम्पटिंग, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी, और काफ़ी हेल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाला डिश है। इसको कभी भी कहीं भी आप बनाइए। और एक्चुअली ये ऐसी डिश है ना कि ये कई जगह पे अलग अलग नाम से बनती है, थोड़ा बहुत इधर उधर रेसिपी में चेंज करके, जैसे दाल ढोकली भी बनती है गुजरात में, वो भी कुछ हद तक इसी टाइप से होती है। तो ये हमारे बिहार में बनती है, और ये डम्पलिंग का तो कैसे भी आप बना लो। सो आपको ये रेसिपी, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर।